गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि विटेकर ने पांच किंगडम बताए, यानी पांच किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें पहला था मोनेरा, जिसने आपने बैक्टीरिया को स्टडी किया था। दूसरा आया प्रोटिस्टा, तीसरा आया फंजाई, ये भी आप स्टडी कर चुके हैं, और फोर्थ आता है प्लांटी। तो प्लांटी में ही ये आपका आता है प्लांट किंगडम। इसके बारे में जब हम जानेंगे तो देखते हैं पहला पॉइंट इसका। फर्स्ट, यूकैरियोटिक, ऑल प्लांट्स आर यूकैरियोटिक। देखिए, मैंने इससे पहले जो वीडियो आपको बताया था उसमें मैंने इसीलिए यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में डिफरेंसेस बता दिए थे, जिससे आपको पता चल जाए कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अगर कोई सेल है तो क्या डिफरेंस होगा। तो प्लांट अगर यूकैरियोटिक है, इसका मतलब प्लांट सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुत सारी सेल्स इसमें प्रेजेंट हैं। क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है। प्लांट्स का मेन करैक्टर होता है कि इसमें क्लोरोफिल होता है, जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, हैविंग सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो प्लांट और एनिमल सेल को आपस में डिफर करता है। आर ग्रुप्ड अंडर द किंगडम प्लांटी, जो किसके अंदर रखे गए हैं, किंगडम प्लांटी में। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम, हम और इसको पॉपुलरली हम कहते हैं प्लांट किंगडम, जो आपके चैप्टर का नाम भी है। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज प्रेजेंटली यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग प्लांट्स। ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बेस मानकर इसको क्लासिफाई किया गया है, किसको, प्लांट्स को। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यूज्ड कंप्यूटर बाय असाइनिंग कोड फॉर ईच करेक्टर एंड एनालाइजिंग द फीचर्स। इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर का यूज़ करके हम उसको एक कोड देते हैं उनके करेक्टर्स को और उनके फीचर्स को। नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। इसमें साइट जो सेल है, यानी कि जो प्लांट है, कोई सेल है, उसके बाद पूरा साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, इसमें कोई प्लांट है तो उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसमें कौन कौन से बिहेवियर हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट किस टाइप का है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको रखा गया है साइटोटैक्सोनॉमी में, ठीक है, इसके अंदर ये हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व द कन्फ्यूज़न, यानी कि जो भी प्लांट डिस्कवर किया गया है उसमें केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इसको हम कीमोटैक्सोनॉमी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है इसको प्लांट किंगडम को किस में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, प्लांट किंगडम डिवाइड्स इन क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें सीड नहीं बनते हैं, विदाउट सीड, प्लांट्स विदाउट सीड, और फेनेरोगैम्स में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें सीड बनते हैं। इतनी बात समझ में आई। वैसे अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो हम देखते हैं कि थैलोफाइटा, रायोफाइटा, टैडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया गया है इसको। क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टैडोफाइटा आते हैं क्योंकि इसमें सीड नहीं बनते हैं, और सीड जिनमें बनते हैं प्लांट्स में वो आते हैं जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। तो ये तो हो गया हमारा जो डिवीज़न है प्लांट्स का, कहाँ से कहाँ तक किया गया है उसको, सीडलेस एंड विद सीड प्लांट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम आपका पढ़ेंगे एल्गी, ठीक है। तो आपको ये जो चैप्टर है उसको कॉपी पर नोट कर लेना है प्लांट किंगडम डाल के, ठीक है, और ऑल पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम।
थैंक यू।